आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 की मराठी। मी नदी बोलते। मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो, मला अनेक ओळे येऊन भेटतात, त्या ओळ्यांमुळे मी मोठी होत जाते, इतर नद्याही मला येऊन मिळतात। ठीक आहे, तो अभी ये देखो, ये कौन बोल रहा है? मी नदी बोलते, यानी कि ये नदी बोल रही है, ऐसा आपको अपने बारे में बताना चाहिए। कौन? नदी हूँ। मी आहे नदी, ठीक है, मैं हूँ नदी। माझा जन्म पर्वतावर होतो, उसका नदी क्या बोल रही है, उसका जन्म कहाँ पर होता है? पर्वत के ऊपर, माउंटेन्स के उधर। ठीक है, मला अनेक ओळे येऊन भेटतात, ओळे मतलब स्ट्रीम। अब देखो, ओळे अगर आपको यहाँ से समझना है ना पिक्चर से, तो कैसे समझेंगे आप? ये देखो, यहाँ से एक पानी की धारा आ रही है ना, यहाँ से भी पानी की धारा आ रही है और यहाँ से भी पानी की धारा आ रही है, यानी दोनों, ये दोनों माउंटेन्स के बीच में से अगर आप देखो ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी आपको नजर आ रहा होगा, है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसको क्या बोलेंगे? ओळे। ठीक है, तो इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे स्ट्रीम, है ना। वो कहाँ पे आके उसको मिल जाते हैं? और नदी में। ठीक है, अब देखो, धीरे धीरे ये यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया ना, वही वो बोल रहे हैं, त्या ओळ्यांमुळे मी मोठी होत जाते, इतर नद्याही मला येऊन मिळतात, है ना। जब वो ओळ्या पर्वत से निकल के आ रहे हैं, साइड साइड से जितने भी हैं, वो जब आते हैं ना, तो वो नदी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, मीन्स बड़ी हो जाती है ना, और भी नदी उसको आकर मिल जाती है। माणसे धरण बांधून मला अडवतात, माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात, त्या विजेवर कारखाने चालवतात, शेतातील पंप चालवतात, पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात, है ना। अभी वो क्या बोले? माणसे मीन्स इंसान लोग क्या करते हैं? धरण बांधते हैं। ठीक है, धरण मतलब डैम, है ना, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, धरण है ना, ये डैम बांधते हैं। कौन बांधते हैं? इंसान, है ना। माझ्या पाण्यावर वीज तयार करतात, और वहां पर वो क्या तयार करते हैं? बिजली। अब आपने देखो यहाँ पे पंप्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये कैसे चलेंगे? बिजली से ही चलेंगे ना। त्या विजेवर कारखाने चालवतात, शेतातील पंप चालवतात, पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात, है ना। अब उनका कहना है, जब वो बिजली चालू कर लेते हैं ना, तो उससे क्या करते हैं? कारखाने यानी फैक्ट्रीज वगैरह वो चालू करते हैं उससे, है ना। और उधर जो शेत होता है यानी आप फार्म जो होता है, उसके अंदर पंप चलता है, पानी का पंप दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, मैंने अभी दिखाया, पानी का पंप चलता है, और पीने का पानी हम उससे यूज करते हैं, यानी नदी का उन्होंने कहना है कि नदी को वो रोक कर, है ना, मला अड़कता मतलब उसको रोक के वो वहां पे डैम बिल्ड करते हैं, और उसमें से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और फार्म में वो इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज होती है, जिससे कि फार्म्स वाले भी यूज करते हैं, और पानी जो हम लोग पीते हैं वो हमें यूज होता है। मी उड़िया मारते धावते, उंच कड़ियावरुण वेगाने कोसळते, धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरुण खाली येते, यानी नदी क्या बोल रही है कि वो जंप लगाती है, भागती है ना, उंच कड़ियावरुण वेगाने कोसळते, यानी ऊपर से अगर आप देखोगे ना, तो वो जोर से पानी गिर रहा है नीचे, धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरुण खाली येते, यानी ये धबधबा मतलब ये जो वॉटरफॉल हो रहा है ना एक तरीके से, है ना, जब जोर से ऊपर से पानी नीचे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉटरफॉल बोलते हैं ना, है ना, रूपाने पर्वतावरुण खाली येते, और ये वॉटरफॉल कहाँ से आ रहा है? नीचे माउंटेन से, पर्वत से, है ना, यानी उसका उड़े मारने में नदी का मतलब क्या हो गया कि पानी कभी भी एक जैसा नहीं दिख रहा है ना, कभी लगता है पानी थोड़ा सा जोर से प्रेशर से नीचे आया, कभी लग रहा है हल्का आया, तो उनको नदी कहना चाहिए कि वो कभी उड़िया मारती है, जंप मारती है, या कभी रन करती है। पर्वतावरुण मी सपाट मैदानी भागत येते, आता माझा वेग कमी झालेला असतो। अब जब वो ऊपर से नीचे आ जाती है, पर्वत से जब वो नीचे आ जाती है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने ये दिखाया, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, वो जब नीचे आ गई है ना, ये वाले इसमें जब नीचे आ गए, मी सपाट मैदानी भागत येते, सपाट मतलब समतल, फ्लैट सरफेस, है ना, उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि वो भाग के आ रही है। आता माझा वेग कमी झालेला असतो, यानी अब उसकी जो स्पीड आप बोल सकते हो वो कम हो गई, वाटरफॉल में कैसा लग रहा है कि वो जोर जोर से वाटर गिर रहा है, और जब वो समतल जमीन पे आ गई तो उसकी स्पीड कैसी होगी नदी की? थोड़ी सी कम हो गई है। माझे दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते, यस। अब देखो पानी है तो ऑटोमेटिकली कि उधर आसपास ग्रीनरी होगी, है ना, तो हिरवागार मैंने उसके आसपास का जो भी वो सराउंडिंग है वो कैसा है? ग्रीनरी है। माझे मुळे शेतकरी शेतात भरपूर धाने पिकवतात, पण मला एक गोष्टींचे खंत आहे। अब देखो ये तो हमेशा बोला गया ना कि जब भी आप एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर्स, तो उसके लिए उनको क्या नेसेसरी है? वाटर नेसेसरी है। तो ऐसे ही जब वहां पर पानी है तो शेतकरी यानी फार्मर जो है वहां पर क्या करता है, जब वो फील्ड में अपने काम करता है ना, तो अपना जो भी उसको क्रॉप्स उगाने होते हैं ना, तो उसके लिए उनको वो वाटर यूजफुल होता है। लेकिन नदी का कहना क्या है कि उसको एक खंत है, खंत मतलब उसको एक दुख है। क्या दुख है? मी सगळ्यांचे उपयोगी पडते, तरीही माणसे माझे प्रवाहात सांडपाणी सोडतात, कचरा टाकतात, मला प्रदूषित करतात। अब देखो उसका कहना है नदी का कि मैं आप लोगों का इतना यूज कर रही हूँ, जैसे कि पहले क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पीने का पानी मिल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, शेतकरी को यूज हो रहा है, लेकिन अब उसको दुख क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, हम इंसान लोग क्या करते हैं, हम में से हम तो नहीं करते होंगे,
लेकिन और भी जो इंसान है वो क्या करते हैं कि नदी को जाकर क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। कैसे कि है ना, उसमें जाके सांड पानी सोता। सांड पानी मतलब आप जो गंदा पानी होता है, चाहे वो कपड़े धोने का हो, बर्तन धोने का हो, तो उसको उन्होंने बोला है सांड पानी, है ना। और कचरा, कोई कोई उसमें कचरा भी नदी में डाल देता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, प्रदूषित, मीन्स बोलते हैं ना पॉल्यूटेड हो जाती है नदी, को उस बात का दुख है। माणसाचे वस्त्या छोटी गावे शहरे यांचा जगून वाहन जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते। अब देखो, और वो कैसे प्रदूषित होती है ये ऊपर तो बता दिया, अब वो छोटी छोटी वस्ती से निकलती है, कॉलोनी से निकलती है, जब नदी बह रही है तो नदी बह रही है तो बहुत बड़ी है नदी, तो है ना, तो जब वो आ रही है तो उसको रस्ते में कौन कौन है, उसकी कॉलोनी आप बोल सकते, वस्त्या मतलब कॉलोनी, छोटे गाँव, स्मॉल विलेजेस, शहर, है ना। यांचा जवळून वाहत जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते, जब उनके वहां से पास में से नदी बहती हुई जा रही है ना, चाहे वो कॉलोनी हो या अपना ये शहर और गांव हो, तो आसपास के लोग भी उधर किसी ना किसी प्रकार से उसको गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, प्रदूषित होती है। तरी भी पूरे पूरे जाता सराते भी कुटे ही तांबत नहीं, भले लोग मुझे गंदा करते हैं लेकिन मैं रुकती नहीं हूं, मैं आगे आगे जाती हूँ। कौन बोल रही है, नदी। थांबला तो संपला, अच्छे मी सगड़ना सांगत असते, वो बोलती है नदी कि क्या मैसेज दिया इसमें, थांबला यानी जो रुक गया वो खत्म हो गया, संपला मतलब खत्म, थांबला तो संपला, अच्छेच मी सगळ्यांना सांगत असते, है ना। तो नदी क्या हमको बोलती है, थांबला तो संपला। शेवट मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो। यस, बाद में नदी आगे जाके किससे मिल जाती है, सागर से जाके मिल जाती है, ठीक है। और नदी का क्या हो जाता है, वहां पे जाके प्रवास रुक जाता है, यानी कहने का मतलब है नदी कहाँ से शुरू होती है, स्ट्रीम से शुरू होती है, छोटी छोटी धाराओं से, बाद में नदी बड़ी हो जाती है, नदी के अंदर और नदी मिलती है, फिर वाटरफॉल माउंटेन से आते हैं, फिर वो समतल जमीन पे आती है ना, और उसके बाद में जाके है ना वो सी, सागर मतलब सी में जाके मिल जाती है, और उधर नदी का जो बोलते ना मूवमेंट है आने का, है ना, वो उसका जाके जो प्रवास हुआ ना वो रुक जाता है, अब सारा वो नदी जो है जाके सी में मिल गई। तो ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।